करीब 1 अक्टूबर से सिंचाई शुरू की थी और 15 अक्टूबर तक की थी। अब इसमें आप फूल देखिए, ये देखिए, ये थाई लेमन है जो मैंने आपको बताया था, और इसमें हमने नींबू की हस्त बहार के 2 भाग हमने प्रकाशित किए थे, और ये तीसरा भाग है। किसान भाइयों, मेरी मिसेज आईसीयू में है, मैं आज बाग पर आया था कि थोड़ा काम बता दूं, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन बाग को देखकर मुझे आज बहुत अच्छा लगा। मैंने अमरूद भी तोड़े हैं, करीब 40-50 अमरूद कुछ नीचे गिरे थे, देखिए कितने अच्छे फ्लावर आ रहे हैं, अभी और शुरू होंगे। जो नावेद भाई ने कहा था, किसान भाइयों एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये केवल लगभग पिछले वर्ष 20 जून की प्लांटेशन है, और बहुत छोटा छोटा पेड़ था, लगभग इतना बड़ा एक डंडी का, मतलब 1.5 फीट का पेड़ था। इसमें मैंने बताया था कि 2-2 पेड़ निकाल दिए थे, और अब नावेद भाई ने कहा था कि त्यागी जी अब आप फूल आते देखे, देखे कितने फूल आ रहे हैं इसमें। और ये हस्त बहार के फूल हैं जो अक्टूबर नवंबर में भरपूर फल आते हैं, देखिए कितने फूल आ रहे हैं, देखिए मधुमक्खी भी है, और ये देखिए ये पेड़ है। चूँकि पेड़ छोटे हैं, मैं बहुत आश्वासित नहीं था कि मेरे को बहुत ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन जो फ्लावरिंग आई है उसे देखकर मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ, और तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा नावेद भाई का कि जिन्होंने हमें हस्त बहार की फ्लावरिंग लेना सी। ये देखिए चने के बराबर बन भी गया है, ये देखिए अभी चल रहा है, अब इसमें पानी नहीं देंगे, मैंने गुड़ाई भी नहीं कराई है, हल्की हल्की बस जड़ के पास थोड़ा सा साफ कराया है घास। ये देखिए फ्लावरिंग, मात्र जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 16 महीने का पेड़ है, मात्र 16 महीने के पेड़ में, और ये देखिए फ्लावरिंग चालू। किसान भाइयों, ये 5 फीट पर मैंने लगाए थे, और मैंने इनके बीच से 2 पेड़, देखिए एक पेड़ यहाँ था ये निकाला, और एक पेड़ ये देखिए ध्यान से यहाँ पर निकाल दिया था, ये निकाल दिया था, और देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग है। आज तो इन्हें देखकर मैं कुछ देर के लिए अपना दुख भूल गया। किसान भाइयों, एक मैं और रिक्वेस्ट करूँगा, मैंने अभी टेलीग्राम से बंद कर दिया है, मैंने टेलीग्राम देखना क्योंकि मुझे सारा दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, पर आज मैं अपने को रोक नहीं सका। कुछ किसान भाई मुझे व्हाट्सएप पर भी लिखते रहते हैं, तो मेरी मजबूरी है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो अभी कुछ दिन मैं क्षमा प्रार्थी हूँगा कि मैं आपकी किसी बात का जवाब नहीं दे सकूँ। ये देखिए, ये सिर्फ मैंने इसलिए वीडियो बनाई है कि आज मैं आया था, करीब पिछले संडे को मेरी मिसेज आईसीयू में भर्ती है, अभी तक वहीं है, मुझे पता नहीं कि हमें कितना कष्ट और झेलना पड़ेगा, पर बाग में देखकर अधिकतर मैं आज बहुत खुश हुआ। ये देखिए कितनी फ्लावरिंग, अब फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है पूरी, ये देखिए हर उस पर फ्लावरिंग है, आप देखेंगे इस पर फूल भी आएंगे, देखिए कि हर पेड़ पर फ्लावरिंग है, ये देखिए अगर आप देखेंगे सब जगह फ्लावरिंग, ये देखिए कितनी फ्लावरिंग, ये मैं आपको दिखा, और इसके नींबू भी मैंने कुछ लिए थे, उसमें मैं नींबू भी दिखाऊंगा जो लगे हुए हैं, तो देखिए कितनी फ्लावरिंग है, देखो इसका नींबू इस साइज का होता है, ये नींबू का साइज है, 40 ग्राम तक का है, इससे छोटा ही है, और ये देखिए कुछ ये पहले नींबू हैं जो हम घर पर खाने के काम लेते हैं, देखिए बहुत खूबसूरत नींबू है, तो अगले साल इसका पता चल जाएगा, और अगर अच्छा निकला ये लेमन, गई दिखा बिजली, ये देखिए, हाँ तोड़ दो, ये देखिए अधिकतर पर फ्रूट आए हुए हैं। ये मेरे नींबू के प्लांट हैं इधर, ये देखिए, इसमें मेरे को कोई फ्लावरिंग नहीं है, केवल जो आप देखेंगे जो ये मेरा पाकिस्तानी नींबू है,
कुमकाट कहते हैं, इस पर काफ़ी फ्लावरिंग भी है और इस पर फूल भी हैं और इस पर ये फल भी लगे हुए हैं। और ये तो आप देख ही लीजिए इस पर कितने फूल आए हुए हैं। मेरी उत्तर दिशा की साइड है तो देखिए ये फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है इस पर भी, और ये देखिए पूरी सब पर फ्लावरिंग आ रही है पूरी। ये लाइन है मेरी, ये मेरी नींबू की लाइन है और ये मेरी बाड़ है जो मैंने बनाई हुई है। ये देखिए मेरी उम्मीद से ज़्यादा, पौधे छोटे थे पर मेरी उम्मीद से ज़्यादा फ्लावरिंग है और आज इससे मैं बहुत ही खुश हुआ हूँ। ये देखिए हर पौधे पर फ्लावरिंग है, अभी तो शुरू हुई है, अच्छी तरह से शुरू हुई है, हर पौधे पर फ्लावरिंग है। ये देखिए कितनी फ्लावरिंग है, ये देखिए कितनी फ्लावरिंग है। ये देखिए नींबू बन रहे हैं, फ्लावरिंग है। आज तो मैं इन्हें देखकर अपना कुछ दुख भूल गया हूँ, कितने अच्छे नींबू। मैं तो वाकई अपना कुछ देर के लिए दुख भूल गया अपने। ये देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग, ये देखिए। तो किसान भाइयों, ये था नींबू की हस्तबहार का भाग 3। भाग 1 और 2 में मैंने ये दिखाया था कि हमें हस्तबहार जो फरवरी मार्च अप्रैल में नींबू देती है उसकी हमें क्या तैयारी करनी चाहिए और अब उसका क्या फल मिला है, किस तरह फूल आए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पर फल भी अच्छे आएंगे जिन्हें मैं अगले भाग में दिखाऊंगा। किसान भाइयों, अभी भी बहुत से किसान मुझे व्हाट्सएप पर लिखते रहते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि व्हाट्सएप पर हमारा ग्रुप बंद हो चुका है और अब यह टेलीग्राम पर है। अगर आप भी इससे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम इंस्टॉल करिए और हमारे ग्रुप से जुड़िए, जिसकी जानकारी हमने अपनी वेबसाइट पर दी है। इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।